गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही थी किचन में क्योंकि आज मुझे कुछ और बनाने का मन कर दिया है। अदृति यहाँ पे सो रही है, मम्मी अपने रूम में सो रही हूँ। मैंने सोचा मैं अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ क्योंकि अदृति उठ जाती है तो फिर बहुत परेशान करने लगती है। मैं अभी कुछ काम जो है वो अभी कर लूँगी, थोड़ा बाद में मतलब शाम में करूँगी। मैं मतलब पति देव से मैंने बोला था कि आप छोटा सा पत्ता गोभी लेते आइएगा, लेकिन वो इतना बड़ा लेके आ गए कि मतलब पत्ता गोभी का भुजिया इस मौसम में खाना मुझे तो कभी भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें मैं उसका कुछ अलग मंचूरियन ही बना दूंगी। मंचूरियन बन जाएगा तो सब खा लेगा। ऐसे भुजिया तो मेरा उसका किसी को नहीं पसंद। मैंने उनसे छोटा सा बोला था कि छोटा सा लाएंगे तो मैं चाउमीन बनाऊंगी, लेकिन वो इतना बड़ा लेके आया कि उसका मैं क्या ही चाउमीन बनाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मंचूरियन बना दूँ। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में अपने। और आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरा चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। चलिए फिर आ गए मैं अपने किचन में। देख सकते हैं आप लोग इतना बड़ा पत्ता गोभी कौन लाता है भाई, इतना बड़ा पत्ता गोभी। यहाँ मैंने एक पत्ता गोभी ले लिया है, एक शिमला मिर्च ले लिया और दो गाजर ले लिया। मैं पत्ता गोभी को क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद इसमें मैं हल्का सा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से ना इसका सारा पानी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है और बॉल बनाने में बहुत आराम रहता है। इधर मैंने दो गाजर लिया था उसको छील लिया है, प्याज ले लिया है दो, एक शिमला मिर्च कर लिया है। अब मैं इन सबको कट कर लूँगी। आप चाहे तो क्रश कर सकते हैं। मैंने यहाँ गाजर क्रश कर लिया है, प्याज को छोटे पीस में कट कर लिया है, शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा अदरक लूँगी, लहसुन लूँगी, मिर्चा लूँगी। आपको जितना तीखा खाना उस हिसाब से आप मिर्चा ऐड कर सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें क्योंकि ये पेस्ट में भी ज़रूरत पड़ता है और ग्रेवी में भी इसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। चलिए अब मैं अपना जो पत्ता गोभी, देखिए मैंने जो नमक मिला के रखा हुआ था इसका देखिए पानी कितना अच्छे तरीके से निकल गया है। इसका पानी निकल गया, आप चाहे तो इसको ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। मैं कभी यूज नहीं करती। देखिए यहाँ पानी निचोड़ने के बाद कितना अच्छे तरीके से हो गया। अब इससे बॉल बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। चलिए इसमें मैं सारी सब्जियाँ मिक्स कर देती हूँ। इसमें मैंने गाजर, पत्ता गोभी तो है ही, शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया। और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सारी सब्जियाँ निकाल लूँगी ग्रेवी में डालने के लिए, क्योंकि ग्रेवी में पड़ता है तो उससे टेस्ट और अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी निकाल दी। अब चलिए इसमें मैं थोड़ा सब कुछ ऐड कर लेती हूँ। तो इसमें मैं कॉर्नफ्लोर दो बड़े चम्मच ऐड करूँगी। मतलब सब्जियाँ आपकी जिस हिसाब से हो आप कॉर्नफ्लोर भी उसी हिसाब से ऐड करिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी। बेसन ऐड करने के बाद इसमें हल्दी थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और ये मेरे पास ना बिरयानी मसाला था तो मैंने इस बार सोचा थोड़ा डाल के देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था अदरक लहसुन मिर्ची का, वो डालूँगी, मिक्स कर दूँगी सब। देखिए मिक्स होने के बाद अभी मैं एक बॉल आप लोग को बना के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से मेरा बॉल बन गया है। अगर जितना अच्छे से आप सब्जियों को निचोड़ के डालेंगे ना, बॉल उतना ही अच्छा और उतना ही सूखा बनेगा। अगर इसमें पानी थोड़ा सा भी रह जाएगा तो दिक्कत होगी। मैंने तेल लग दिया, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। चलिए फिर मैं अपना बॉल बना लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने अपना बॉल बना के एक साइड रख दिया। ऐसे थोड़ा आराम रहता है कि तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए, बॉल बनाते रहिए। तो यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो गया। अब चलती हूँ, पहले मैं एक डाल के ट्राई करती हूँ कि जैसे कैसा बना है, कहीं फट तो नहीं रहा है। तो मैंने एक डाल के देखा मेरा अच्छा हो रहा था, तो फिर मैंने और भी बॉल इसमें ऐड कर दिया है। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी मेरा बॉल टूट नहीं रहा है। देख सकते हैं मेरा बॉल कितना अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई टूट वगैरह नहीं रहा है। तो यहाँ मेरा बॉल फ्राई हो गया बहुत अच्छे तरीके से। एक बॉल में देखिए आप लोग को दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा बना। अगर आप लोग को और क्रिस्पी चाहिए तो आप लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, एक चम्मच एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और इधर मेरा बॉल इधर थोड़ा बना हुआ, इधर बैटर बचा, इधर मैं और फ्राई कर रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि मेरा पूरा फ्राई होकर रेडी हो गया है। और कोई भी बॉल ना तो मेरा टूटा हुआ है, ना तो कोई इधर उधर हुआ है, तो सब अच्छे तरीके से हो गया। चलिए मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। तो उसी में से मैंने थोड़ा सा तेल दूसरी कढ़ाई में ले लिया और इसमें मैं थोड़ा सा बारीक कटा प्याज ऐड करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मैं अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालूंगी जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही पीस लिया था। अभी मैं इसमें एक कटा टमाटर डालूंगी। आप चाहे तो उसकी प्यूरी भी डाल सकते हैं, चाहे तो कटा टमाटर डाल सकते हैं। मैं मतलब कभी जो मन करता है मेरा वो मैं यूज कर लेती हूँ। तो इसको मैं हल्का सा सबको मिक्स कर दूँगी, मतलब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें सारी सब्जियां फिर ऐड करूँगी जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला हुआ था, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। फिर इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा चला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा आप अभी चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, जैसे इससे होता है ना कि सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। और इन सब सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं रहता है, थोड़ा जैसे बस ये ब्राउन जैसा हो जाए, एकदम कच्चा भी ना रहे, ब्राउन हो जाए। फिर इसको एक चम्मच हम लोग कॉर्नफ्लोर लेंगे ग्लास में, जिसमें आप लेना चाहें उसको मिक्स करके
इसमें डाल देंगे। अगर आपको सूखा खाना है चाउमीन वगैरह के साथ, तो हम लोग सूखा रखे, हम लोग को चावल से खाना रहता है तो हम लोग को ग्रेवी पसंद आती है, तो जिस हिसाब से आपके घर में मेम्बर उस हिसाब से आप ग्रेवी डाल सकते हैं। अभी देखिए, आप पतली लग रही, भी ठीक हो जाएगी। हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ही डालिएगा। और इसमें ये इसका सबसे जानदार पार्ट यही है कि सेजवान चटनी, आप चाहे तो सेजवान चटनी डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते। हम लोग डालते हैं क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और हम लोग कभी ये पैकेट से नहीं, जैसे जो पैकेट का आता है ना मसाला, उससे नहीं बनाते, हम लोग सॉस वगैरह से ही बनाते हैं। तो ग्रेवी भी पतली लग रही है, कुछ टाइम में जैसे इसमें उबाल आएगी ना, ये थिक हो जाएगा, तो ग्रेवी आप लोग उस हिसाब से रखिएगा। हम लोग की ग्रेवी एकदम अच्छे तरीके से हो चुकी है, उबाल आ गया, तो इसमें हम लोग बॉल ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसका बॉल बना के रख भी सकते हैं, चाहे तो पूरा यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। तो इसमें हम अपना चल बॉल ऐड कर देते हैं, मतलब हम लोग जितने घर में मेम्बर उस हिसाब से बॉल ऐड करते हैं, बाकी बॉल हम लोग रख देते हैं, जैसे कभी मन हुआ तो खा लेते। बहुत ज़्यादा दिन तक भी नहीं रखना चाहिए इसको। तो यहाँ मेरा मंचूरियन बनके एकदम रेडी हो गया है। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को अपना प्यार भर भर के दीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग मेरा मंचूरियन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। मेरी रेसिपी झटपट वाली होती ना, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि जो न भी बनाना जाने ना, वो भी फटाफट बना लें। तो मेरी ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप लोग, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आती रहूँगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट। तो मेरा मंचूरियन वगैरह बन के सब रेडी हो गया, मैंने रोटी चावल भी बना दिया। हम लोग ग्रेवी इसलिए लगाते ना कि उसके साथ हम लोग को रोटी चावल भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और जब जिस दिन हम लोग को चाउमीन खाना रहता है तो हम लोग ग्रेवी नहीं लगाते, उस हिसाब से लगाते हैं। तो मेरी ये डिश कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले, एकदम धमाकेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर अब तक नहीं किया है तो। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग को, मतलब मैं किस तरीके की वीडियो लाऊं आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मतलब अच्छी बुरी चीज़ें जो भी हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बुरी चीज़ें तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, और अच्छी चीज़ें तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे धमाकेदार ब्लॉग अभी आने वाले हैं।